गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और जैसे कि हम लोग वीडियोज आपके लिए बना रहे हैं, सी लैंग्वेज के, पाइथन के, अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोज आपके पास जा रहे होंगे, तो बच्चों उसी सीरीज में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी, क्या समझाने की कोशिश की थी कि भैया ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का क्या रोल है। तो ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि ऑपरेंड के ऊपर, आप जानते हैं कि आपके समीकरण में ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो ऑपरेंड्स हैं इनके ऊपर क्या एक्शन होगा, इनकी वैल्यूज को कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, ये बताने का कार्य जिस सिंबल का है उसी को बच्चों हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर्स आर दो सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट कि विच टाइप्स ऑफ एक्शन, कि क्या कार्य होगा किसके ऊपर, तुम्हारे ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मैंने आपको ये बता दिया था बच्चों कि कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं सी में। तो आइए उसी क्रम में अब आगे बढ़ता हूं और आपको रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स कैटेगरी को डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जाना जाए, रिलेशनल ऑपरेटर्स ये करते क्या है बच्चों, दे आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। और दूसरे शब्दों में कहा जाए, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंडीशंस। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं, जो एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन दो ऑपरेंड के बीच, या दूसरे सरल शब्दों में मैं कहूं तो कंडीशंस का अगर आपको निर्माण करना है, अगर आपको कंडीशन का निर्माण करना है सी में, तो रिलेशनल ऑपरेटर लगाओ, बहुत क्लियर है। और बच्चों कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स देखिएगा, कौन कौन से वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं सी में भाई। तो आपका फर्स्ट ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, चौथा बच्चों लेस देन और इक्वल टू, पांचवा नंबर ग्रेटर हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, पांचवा है बच्चों नॉट इक्वल टू, और छठा क्या होगा, इक्वल्स टू। ये देख लीजिए लिस्ट आपके सामने है, लिस्ट आपके सामने है बच्चों कि कौन कौन से वो ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो सी में एग्जिस्ट करते हैं। पहला कौन सा है, ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का काम क्या होता है, दो ऑपरेंड में पता लगाना कि पहला दूसरे से बड़ा है या नहीं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं दे गिव रिजल्ट, ये जो आपको रिजल्ट देते हैं बच्चों ये बूल फॉर्म में, बूल का मतलब ट्रू या फॉल्स, सी में ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब होता है जीरो, यानी जो रिजल्ट देंगे बच्चों ये वन या जीरो के फॉर्म में आपको देंगे, दे गिव रिजल्ट इन वन और जीरो फॉर्मेट, याद रखिएगा। तो ग्रेटर देन बताएगा बड़ा है या नहीं, लेस देन बताएगा छोटा है या नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां और शब्द महत्वपूर्ण है, और का मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों की दोनों सो सही एक साथ नहीं होगी, या बड़ा होगा या बराबर होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गई तो आपको वो वन देगा यानी ट्रू देगा, लेस देन और इक्वल टू छोटा या बड़ा, वही नियम।
नॉट इक्वल टू, अगर दो ऑपरेंड बराबर नहीं है तब तो कहेगा यस इट इज ट्रू, वन देगा, और अगर बराबर हो गए तो फॉल्स देगा। इसका उल्टा है सिक्स नंबर इक्वलिटी, कि दोनों अगर बराबर हो गए बच्चों तब तो कहेगा वन यानी ट्रू, और दोनों अगर बराबर नहीं है तब क्या बोलेगा फॉल्स यानी जीरो। आइए आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी। सी में रिलेशनल ऑपरेटर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके पहला देखिए, एग्जाम्पल नंबर वन, बहुत सीधा आप लिखिए, पांच बड़ा है तीन से, यस इसका आंसर क्या आएगा वन यानी ट्रू। दूसरा एग्जाम्पल, छह बड़ा है सात से, नहीं इसका आंसर आएगा जीरो। देख लीजिए पहला एग्जाम्पल का ये, दूसरे पांच तीन से बड़ा है वन यानी ट्रू, दूसरा एग्जाम्पल छह सात से बड़ा नहीं हो सकता फॉल्स यानी जीरो। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सात लेस देन नौ, बताइए क्या सात छोटा है नौ से, जी हाँ छोटा है, आंसर आएगा वन। चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, नौ क्या छोटा होगा बच्चों सात से, नहीं आंसर क्या आएगा जीरो। देख लीजिए चार एग्जाम्पल आपके सामने हैं और चारों का एकदम क्लियर कट मतलब निकल के आ रहा है। अगर आपको इसमें से किसी में भी डाउट है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से आपको किसी में डाउट होगा बच्चों, पांच बड़ा है तीन से बिल्कुल सही कथन है, कंडीशन ट्रू होगी वन आएगा, छह बड़ा है सात से नहीं जीरो आएगा, सात छोटा है नौ से यस ट्रू है वन आएगा, नौ छोटा है सात से नहीं जीरो आएगा। इसी तरह से अगर एक एग्जाम्पल और देखा जाए, पांच लेस देन पांच क्या ये सही है, या पांच ग्रेटर देन पांच, पांच ना पांच से छोटा है पांच ना पांच से क्या है बड़ा है, दोनों केस में जीरो आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ग्रेटर देन और लेस देन में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। छठवां एग्जाम्पल देखिए, पांच ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पांच, अब देखिए थोड़ा सा मतलब बदल रहा है, पांच पांच से बड़ा तो नहीं हो सकता बच्चों, फाइव इज नॉट ग्रेटर देन फाइव ये वाला फॉल्स है, लेकिन 5 5 के बराबर है ना ये वाला क्या है ट्रू है, तो दोनों में से कोई एक ट्रू अगर हो गया तो आंसर क्या देगा ये 1 का मतलब कंडीशन ट्रू होगी। तो ये थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाने की जरूरत है कि जहां पर मल्टीपल कंडीशन मिलेगी इस तरह से उनमें से कोई भी अगर एक सही हो गई तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ट्रू। ये आपके सामने है, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूं सिक्स लेस देन इक्वल टू मान लीजिए थ्री, ये दोनों फॉल्स होगी कि नहीं होगी, ना छह तीन से छोटा है ना छह तीन के बराबर है तो आंसर क्या आएगा जीरो। सातवां एग्जाम्पल हो गया, आठवां देखिए, थ्री लेस देन इक्वल टू सिक्स, इसका क्या आएगा बच्चों बताइए सब लोग, सॉरी तीन क्या छह से छोटा है यस, लेकिन तीन तीन के बराबर ये वाली गलत है, ये वाली क्या है सही है, तो फाइनल रिजल्ट क्या बच्चों आएगा वन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए, जो भी है सात नंबर होगा, अगर कहीं लिखा दिख जाए सिक्स नॉट इक्वल टू सिक्स, ये एग्जाम्पल देखिए, ये नॉट इक्वल टू है क्या, छह छह के बराबर नहीं है ये कथन फॉल्स है, आंसर क्या आएगा जीरो। लेकिन यही दिख जाए छह नॉट इक्वल टू फाइव, जी हाँ बिल्कुल छह पांच के बराबर नहीं है तो क्या होगा ये कथन ट्रू है,
आंसर क्या देगा? वन। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ये दे दे कि, तो मतलब कहने का क्या है, बराबरी का केस होगा तब तो ये जीरो देगा, और अगर बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो ये वन देगा। जबकि इसी की जगह इसी का उल्टा है, अगर आप लिख दिए छ छ के बराबर है, सिक्स इक्वल्स टू सिक्स, यस बिल्कुल सही, ये कथन क्या देगा, वन, यानी ये कथन ट्रू है। और अगर इसी की जगह आपने लिख दिया सिक्स इक्वल्स टू फाइव, बताइए क्या छ पांच के बराबर है? नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, यानी फॉल्स। तो ये बहुत ही संक्षेप में आपको सारे रिलेशनल ऑपरेटर सीखे, मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, आप इनको अगर यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे सी का कंपाइलर बच्चों आपको जो रिजल्ट देगा कुछ ऐसे ही तरीके से देगा, जिसको आपको समझने और जानने की जरूरत है। अब इसके बाद जो लॉजिकल के बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको देखिए मैंने करा डाले सारे, रिलेशनल ऑपरेटर्स का एग्जांपल आपको बता दिया। अब इसके बाद अगला जो एग्जांपल आपको लेने चल रहा हूं मैं, वो किसका है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, दे आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशंस और यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। ध्यान से बच्चों समझिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम क्या है, दे आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशंस। कंबाइन माने समझते हैं ना, दो कंडीशंस को मिलाना। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका काम एक ही कंडीशन से होगा बच्चों, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ोगे आपको मल्टीपल कंडीशन को जोड़ने की, कंबाइन करने की, मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी, और ऐसे सिचुएशन में आपके लिए काम करेगा कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर बच्चों, जिसके द्वारा आप कॉम्प्लेक्स कंडीशन का भी निर्माण कर पाएंगे, निर्मित कर पाएंगे। कैसे होगा ये काम, तो आइए देखिए, पहले देखिए कौन कौन से आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो लिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, सबसे पहला है तुम्हारा एंड, और एंड को सी में आप डबल एम्परसन से डिनोट करते हैं। ये कार्य कैसे करता है, तो देखिए कंडीशन वन, कंडीशन टू और एक्शन। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, कार्य करेगा। पहली ट्रू है, दूसरी फॉल से कार्य नहीं करेगा। पहली फॉल से दूसरी ट्रू है, कार्य नहीं करेगा। दोनों फॉल्स है तो कार्य करने का सवाल ही नहीं उठता। यानी सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुम्हारा एंड वर्क करेगा। कब वो सिचुएशन आएगी, जब दो की दोनों दी गई कंडीशंस ट्रू होगी। आगे एग्जांपल लूंगा इसका बच्चों। दूसरा जो तुम्हारा है, और सी में डबल पाइप साइन से बच्चों इसको डिनोट किया जाता है। ये काम कैसे करता है, तो समझ लीजिए, कंडीशन वन, कंडीशन ट्रू और एक्शन। यहां पर क्या है, पहली ट्रू दूसरी ट्रू कार्य करेगा, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स कार्य करेगा, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू कार्य करेगा। जब दोनों की दोनों फॉल्स होंगी तभी ये कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे कार्य करने की संभावना ज्यादा है, उस वाले में मेरा मतलब एंड में कार्य न करने की संभावना ज्यादा थी बच्चों। और नॉट तुम्हारा क्या है, नॉट ऑपरेटर सी में डिनोट करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क से। ये क्या करता है बच्चों, इट रिवर्स द कंडीशन। रिवर्स द कंडीशन का मतलब क्या है, कि अगर अगर आंसर
आपका वन आएगा कंडीशंस का, नॉट लगा दीजिए तो ये क्या कर देगा, आंसर जीरो। और अगर आंसर जीरो आया है, आपने नॉट लगा दिया, तो ये आंसर क्या कर देगा, वन, अर्थात कंडीशंस को ही पलट देगा, रिजल्ट को ही उल्टा कर देगा। जीरो की जगह वन लाना, वन की जगह जीरो। आओ एग्जाम्पल दिखाता हूं, एग्जाम्पल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ध्यान से बच्चों समझिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के क्या एग्जाम्पल्स होंगे। पहला एंड का दिखा रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 5 greater than 3 एंड 5 greater than 2, ये भी आपका ट्रू है यानी 1, ये भी आपका ट्रू है यानी 1, 1 and 1 दोनों कंडीशन ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा। यहां लिखिया मैंने 5 greater than 3 एंड 3 greater than 5, ये तो ट्रू है, ये लेकिन क्या हो गई, फॉल्स, तो फाइनल रिजल्ट बच्चों क्या हो जाएगा, 0 यानी फॉल्स। बहुत क्लियर है कि जब तक दो की दोनों कंडीशन नहीं ट्रू होगी कार्य नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों अगर दूसरे एग्जांपल देखिए, 5 greater than 3 और 3 greater than 5, एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन और से जोड़े हो तो रिजल्ट 1 आएगा यानी ट्रू आएगा। 3 greater than 2 और 3 greater than 3, फिर वही देखिए, ये ट्रू है ये फॉल्स है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहां पर गड़बड़ी कब होगी, जब दो की दोनों दी गई कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी। और बच्चों अगर इसी में अगर आप क्या करें, नॉट का यूज करना है तो ब्रैकेट में लिखिएगा 3 greater than 2, इसी में बना दे रहा हूं, एंड 3 greater than 3, इसका रिजल्ट अभी 1 आया ना, लेकिन ये लग गया तुम्हारा क्या, नॉट। तो नॉट क्या करता है, आपको मैंने बताया कि ये कंडीशंस को ही रिवर्स कर देगा, कंडीशन नहीं रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो बताइए इस समीकरण का रिजल्ट अभी तक क्या था, 1, नॉट लग गया 0 आएगा, सरप्राइजिंग। तो कहीं भी अगर आपको बच्चों ऐसा है कि कंडीशंस का रिजल्ट जो आए उसका रिवर्स करना, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जब आपको इनका यूज पड़ेगा, तो ऐसी सी इनवर्स कर देना, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज करेंगे किसका, नॉट ऑपरेटर का। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आज के इस संक्षिप्त वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि सी लैंग्वेज में रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इनका क्या रोल है, इनको कैसे यूज करेंगे, उनका क्या रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और इसी क्रम में आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है सी का, तो आप यूनिक ग्रुप के ऐप को अवश्य डाउनलोड कीजिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब सीख रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, मैं अब आपसे नितिन श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं, और फिर नए वीडियोस के साथ आने के वादे के साथ, गुड बाय, नमस्कार एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, आपका स्वागत है, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और जैसे कि हम लोग वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं सी लैंग्वेज के, पाइथन के, अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस आपके पास जा रहे होंगे, तो बच्चों उसी सीरीज में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी, क्या समझाने की कोशिश की थी कि भैया ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, या किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का क्या रोल है। तो ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि ऑपरेंड के ऊपर, आप जानते हैं कि आपके समीकरण में ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो ऑपरेंड्स हैं इनके ऊपर क्या एक्शन होगा, इनकी वैल्यूज को कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, ये बताने का कार्य जिस सिंबल का है उसी को बच्चों हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर्स आर दो सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट कि विच टाइप्स ऑफ एक्शन, कि क्या कार्य होगा किसके ऊपर, तुम्हारे
ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मैंने आपको ये बता दिया था बच्चों कि कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं सी में। तो आइए उसी क्रम में अब आगे बढ़ता हूँ और आपको रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स कैटेगरी को डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जाना जाए। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये करते क्या है बच्चों? दे आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। और दूसरे शब्दों में कहा जाए दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंडीशंस। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं जो इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन दो ऑपरेंड के बीच, या दूसरे सरल शब्दों में मैं कहूं तो कंडीशंस का अगर आपको निर्माण करना है, अगर आपको कंडीशन का निर्माण करना है सी में तो रिलेशनल ऑपरेटर लगाओ। बहुत क्लियर है। और बच्चों कौन कौन से हैं? लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स देखिएगा। कौन कौन से वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं सी में भाई? तो आपका फर्स्ट ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, चौथा बच्चों लेस देन और इक्वल टू, पांचवा नंबर ग्रेटर हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, पांचवा है बच्चों नॉट इक्वल टू, और छठा क्या होगा? इक्वल्स टू। ये देख लीजिए लिस्ट आपके सामने है, लिस्ट आपके सामने है बच्चों कि कौन कौन से वो ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जो सी में एग्जिस्ट करते हैं। पहला कौन सा है? ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का काम क्या होता है? दो ऑपरेंड में पता लगाना कि पहला दूसरे से बड़ा है या नहीं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं दे गिव रिजल्ट। ये जो आपको रिजल्ट देते हैं बच्चों ये बूल फॉर्म में, बूल का मतलब ट्रू या फॉल्स। सी में ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। यानी जो रिजल्ट देंगे बच्चों ये वन या जीरो के फॉर्म में आपको देंगे। दे गिव रिजल्ट इन वन और जीरो फॉर्मेट, याद रखिएगा। तो ग्रेटर देन बताएगा बड़ा है या नहीं, लेस देन बताएगा छोटा है या नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां और शब्द महत्वपूर्ण है। और का मतलब क्या है? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों की दोनों सो सही एक साथ नहीं होगी, या बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गई तो आपको वो वन देगा यानी ट्रू देगा। लेस देन और इक्वल टू, छोटा या बराबर, वही नियम। नॉट इक्वल टू, अगर दो ऑपरेंड बराबर नहीं है तब तो कहेगा यस इट इज ट्रू, वन देगा, और अगर बराबर हो गए तो फॉल्स देगा। इसका उल्टा है सिक्स नंबर इक्वलिटी, कि दोनों अगर बराबर हो गए बच्चों तब तो कहेगा वन यानी ट्रू, और दोनों अगर बराबर नहीं है तब क्या बोलेगा? फॉल्स यानी जीरो। आइए शुरू करते हैं एग्जांपल्स, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी। सी में रिलेशनल ऑपरेटर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके पहला देखिए। एग्जाम्पल नंबर वन, बहुत सीधा आप लिखिए, पांच बड़ा है तीन से, यस इसका आंसर क्या आएगा? वन यानी ट्रू। दूसरा एग्जाम्पल, छः बड़ा है सात से, नहीं इसका आंसर आएगा जीरो। देख लीजिए पहला एग्जाम्पल का ये, दूसरे पांच तीन से बड़ा है वन यानी ट्रू,
दूसरा एग्जांपल, 6-7 से बड़ा नहीं हो सकता, फॉल्स यानी जीरो। तीसरा एग्जांपल देखिए, 7 less than 9, बताइए क्या 7 छोटा है 9 से? जी हाँ छोटा है, आंसर आएगा 1। चौथा एग्जांपल देखिएगा, 9 क्या छोटा होगा बच्चों 7 से? नहीं, आंसर क्या आएगा? 0। देख लीजिए 4 एग्जांपल आपके सामने हैं और चारों का एकदम क्लियर कट मतलब निकल के आ रहा है। अगर आपको इसमें से किसी में भी डाउट है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से आपको किसी में डाउट होगा बच्चों, 5 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही कथन है, कंडीशन ट्रू होगी, 1 आएगा। 6 बड़ा है 7 से, नहीं 0 आएगा। 7 छोटा है 9 से, यस ट्रू है, 1 आएगा। 9 छोटा है 7 से, नहीं 0 आएगा। इसी तरह से अगर एक एग्जांपल और देखा जाए, 5 less than 5 क्या ये सही है, या 5 greater than 5, 5 ना 5 से छोटा है, 5 ना 5 से क्या है बड़ा है, दोनों केस में 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ग्रेटर देन और लेस देन में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। छठवां एग्जांपल देखिए, 5 greater than or equals to 5। अब देखिए थोड़ा सा मतलब बदल रहा है, 5 5 से बड़ा तो नहीं हो सकता बच्चों, 5 is not greater than 5, ये वाला फॉल्स है, लेकिन 5 5 के बराबर है ना, ये वाला क्या है ट्रू है। तो दोनों में से कोई एक ट्रू अगर हो गया तो आंसर क्या देगा ये, 1 1 का मतलब कंडीशन ट्रू होगी। तो ये थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाने की जरूरत है कि जहां पर मल्टीपल कंडीशन मिलेगी इस तरह से, उनमें से कोई भी अगर एक सही हो गई तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ट्रू। ये आपके सामने है, एक और देख लीजिए एग्जांपल। अगर मैं लिख दूं 6 less than equal to मान लीजिए 3, ये दोनों फॉल्स होगी कि नहीं होगी, ना 6 3 से छोटा है ना 6 3 के बराबर है, तो आंसर क्या आएगा 0। सातवां एग्जांपल हो गया, आठवां देखिए, 3 less than equal to 6, इसका क्या आएगा बच्चों बताइए सब लोग, सॉरी 3 क्या 6 से छोटा है, यस, लेकिन 3 3 के बराबर, ये वाली गलत है, ये वाली क्या है सही है। तो फाइनल रिजल्ट क्या बच्चों आएगा, 1। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए, जो भी है 7 नंबर होगा। अगर कहीं लिखा दिख जाए 6 not equal to 6, ये एग्जांपल देखिए, ये नॉट इक्वल टू है, क्या 6 6 के बराबर नहीं है, ये कथन फॉल्स है, आंसर क्या आएगा 0। लेकिन यही दिख जाए 6 not equal to 5, जी हाँ बिल्कुल 6 5 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये कथन ट्रू है, आंसर क्या देगा 1। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ये दे दे कि तो मतलब कहने का क्या है, बराबरी का केस होगा तब तो ये 0 देगा, और अगर बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू है तो ये 1 देगा, जबकि इसी की जगह इसी का उल्टा है। अगर आप लिख दिए 6 6 के बराबर है, 6 equals to 6, यस बिल्कुल सही, ये कथन क्या देगा 1, यानी ये कथन ट्रू है। और अगर इसी की जगह आपने लिख दिया 6 equals to 5, बताइए क्या 6 5 के बराबर है, नहीं, इसका आंसर क्या आएगा 0, यानी फॉल्स। तो ये बहुत ही संक्षेप में आपको सारे रिलेशनल ऑपरेटर सीखे, मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, आप इनको अगर यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे सी का कंपाइलर बच्चों आपको जो रिजल्ट देगा कुछ ऐसे ही तरीके से देगा, जिसको आपको समझने और जानने की जरूरत है। अब इसके बाद जो लॉजिकल के बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको देखिए मैंने करा डाले सारे, रिलेशनल ऑपरेटर्स का एग्जांपल आपको बता दिया। अब इसके बाद अगला जो एग्जांपल आपको लेने चल रहा हूं मैं, वो किसका है, लॉजिकल ऑपरेटर्स।
ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दे आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशंस और यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। ध्यान से बच्चों समझिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम क्या है, दे आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशंस। कंबाइन माने समझते हैं ना, दो कंडीशंस को मिलाना। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका काम एक ही कंडीशन से होगा बच्चों, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ोगे आपको मल्टीपल कंडीशन को जोड़ने की, कंबाइन करने की, मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसी सिचुएशन में आपके लिए काम करेगा कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर बच्चों, जिसके द्वारा आप कॉम्प्लेक्स कंडीशन का भी निर्माण कर पाएंगे, निर्मित कर पाएंगे। कैसे होगा ये काम, तो आइए देखिए। पहले देखिए कौन कौन से आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो लिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, सबसे पहला है तुम्हारा एंड, और एंड को सी में आप डबल एम्परसेंड से डिनोट करते हैं। ये कार्य कैसे करता है तो देखिए, कंडीशन वन, कंडीशन टू और एक्शन। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, कार्य करेगा। पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स से कार्य नहीं करेगा। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, कार्य नहीं करेगा। दोनों फॉल्स है तो कार्य करने का सवाल ही नहीं उठता। यानी सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुम्हारा एंड वर्क करेगा। कब वो सिचुएशन आएगी, जब दो की दोनों दी गई कंडीशंस ट्रू होगी। आगे एग्जांपल लूंगा इसका बच्चों। दूसरा जो तुम्हारा है, और सी में डबल पाइप साइन से बच्चों इसको डिनोट किया जाता है। ये काम कैसे करता है तो समझ लीजिए, कंडीशन वन, कंडीशन ट्रू और एक्शन। यहां पर क्या है, पहली ट्रू दूसरी ट्रू कार्य करेगा, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स कार्य करेगा, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू कार्य करेगा। जब दोनों की दोनों फॉल्स होंगी तभी ये कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे कार्य करने की संभावना ज्यादा है, उस वाले में मेरा मतलब एंड में कार्य न करने की संभावना ज्यादा थी बच्चों। और नॉट तुम्हारा क्या है, नॉट ऑपरेटर सी में डिनोट करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क से। ये क्या करता है बच्चों, इट रिवर्स द कंडीशन। रिवर्स द कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर आंसर आपका वन आएगा कंडीशंस का, नॉट लगा दीजिए तो ये क्या कर देगा, आंसर जीरो। और अगर आंसर जीरो आया है, आपने नॉट लगा दिया, तो ये आंसर क्या कर देगा, वन। अर्थात कंडीशंस को ही पलट देगा, रिजल्ट को ही उल्टा कर देगा। जीरो की जगह वन लाना, वन की जगह जीरो। आओ एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ध्यान से बच्चों समझिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के क्या एग्जाम्पल्स होंगे। पहला एंड का दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 5 greater than 3 एंड 5 greater than 2। ये भी आपका ट्रू है यानी वन, ये भी आपका ट्रू है यानी वन। वन एंड वन दोनों कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट बच्चों क्या आएगा, वन आएगा। यहां लिखिया मैंने 5 greater than 3 एंड 3 greater than 5, ये तो ट्रू है ये, लेकिन क्या हो गई, फॉल्स। तो फाइनल रिजल्ट बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो यानी फॉल्स। बहुत क्लियर है कि जब तक दो की दोनों कंडीशन नहीं ट्रू होगी कार्य नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों अगर दूसरे एग्जांपल देखिए, 5 greater than 3 और 3 greater than 5, एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन और से जोड़े हो तो रिजल्ट वन आएगा यानी ट्रू आएगा।
तीन ग्रेटर देन दो और तीन ग्रेटर देन तीन, फिर वही देखिए ये ट्रू है ये फॉल्स है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, वन ही आएगा। यहां पर गड़बड़ी कब होगी, जब दो की दोनों दी गई कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी। और बच्चों अगर इसी में अगर आप क्या करें नॉट का यूज करना है तो ब्रैकेट में लिखिएगा तीन ग्रेटर देन दो, इसी में बना दे रहा हूं, एंड तीन ग्रेटर देन तीन, इसका रिजल्ट अभी वन आया ना, लेकिन ये लग गया तुम्हारा क्या नॉट। तो नॉट क्या करता है, आपको मैंने बताया कि ये कंडीशंस को ही रिवर्स कर देगा, कंडीशन नहीं रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो बताइए इस समीकरण का रिजल्ट अभी तक क्या था, वन, नॉट लग गया जीरो आएगा, सरप्राइजिंग। तो कहीं भी अगर आपको बच्चों ऐसा है कि कंडीशंस का रिजल्ट जो आए उसका रिवर्स करना, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जब आपको इनका यूज पड़ेगा, तो ऐसी सी इनवर्स कर देना, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज करेंगे किसका, नॉट ऑपरेटर का। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों आज के इस संक्षिप्त वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि सी लैंग्वेज में रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इनका क्या रोल है, इनको कैसे यूज करेंगे, उनका क्या रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और इसी क्रम में आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है सी का, तो आप यूनिक ग्रुप के ऐप को अवश्य डाउनलोड कीजिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब सीख रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, मैं अब आपसे नितिन श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ, और फिर नए वीडियोज़ के साथ आने के वादे के साथ गुड बाय, नमस्कार एंड थैंक यू।